को विफल करने के लिए तैयार है। बीएसएफ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पे हमारी बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी निष्ठा से काम कर रही है और तैनात है। सो बॉर्डर में जिस तरह के बॉर्डर विलेजेस होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन गाँव वासियों से जुड़े, उनके लिए सिविल एक्शन प्रोग्राम जो भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम करते हैं जो कि गाँव वालों के लिए इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियां शुरू होने से पहले कुछ अटेम्प्ट करें, लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को हमेशा बीएसएफ के जवान नाकाम करते आए हैं। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में ये जवान जरा भी समय नहीं लगाते, मगर अब जो खबर इन आतंकियों को लेकर आ रही वो थोड़ा चौंकाने वाली है। एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित लॉन्च पैड पर लगभग 250 से 300 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। ये जानकारी खुद बीएसएफ की तरफ से दी गई है। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा बल सतर्क हैं और सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने को तैयार हैं। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा है कि खुफिया जानकारी के मुताबिक 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम और सेना सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रख रही है और हम सतर्क हैं। खैर, जब से कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से पाकिस्तान और उसके पाले आतंकी और बौखलाए बैठे हैं। वहीं घुसपैठ की उनकी हरकत पर सेना हमेशा से नजर बनाए रहती है। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा कि बीएसएफ और सेना के जवान सीमावर्ती इलाकों में सतर्क हैं और घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। हम घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने को लेकर आश्वस्त हैं। कश्मीर में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। अगर लोग हमारा सहयोग करें तो हम इन गतिविधियों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो विफल करने के लिए तैयार है। बीएसएफ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पे हमारी बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी निष्ठा से काम कर रही है और तैनात है। सो बॉर्डर में जिस तरह के बॉर्डर विलेजेस होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन गाँव वासियों से जुड़े, उनके लिए सिविल एक्शन प्रोग्राम जो भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम करते हैं जो कि गाँव वालों के लिए। वहीं इन आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हमेशा की जाती है, क्योंकि ठंड भी आ चुकी है। तो बीएसएफ के अधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के समय में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सर्दियों के दिनों में ही सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ की ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जवान सीमा पर हर तरफ से मुस्तैद हैं और किसी भी मोर्चे पर हमारी सेना मजबूत स्थिति में तैनात है। इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियां शुरू होने से पहले कुछ अटेम्प्ट करें, लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं। जब विंटर्स आ जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे जैसे विंटर पास आते हैं तो कोशिश होती है कि वो कोई इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट करें। तो हम आर्मी के साथ बॉर्डर इलाके में बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एरिया को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है, और हमारे स्पेशल सर्विलांस इक्विपमेंट लगे हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान बॉर्डर वाले इलाकों में पूरी तरह से सक्रिय हैं। आतंकवादियों और पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी हरकत का जवाब उन्हें उन्हीं की भाषा में मिलेगा। खैर, पाकिस्तान की इस हरकत पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।